तो गाइस की हालचाल से आपकी आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों फिर से आपका बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल गेमर नीलू में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगली वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा अपडेट्स है जिससे सुन के आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा और आप खुशी से झूम उठोगे मेरे भाई। तो जल्दी से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हो, इसलिए पहले से लाइक कर देना। और चैनल पर अगर न्यू हो या फिर देख रहे हो रेगुलर, तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि पबजी मोबाइल बैन हो चुका है इंडिया में, उसके बाद पबजी मोबाइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन फाइनली जाके पबजी मोबाइल की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ है जो कि आपको उनकी वेबसाइट पर जाके देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या है वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ और सुन के आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें आखिर है क्या। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि हम लोग मतलब गवर्नमेंट का जो सीजन है उस पर रिस्पेक्ट करते हैं कि पबजी मोबाइल को इंडिया पे बैन किया गया, तो क्यों किया गया, टेंसेंट वगैरह ये फलाना ढिकाना चाइनीज इन्फॉर्मेशन आपको सब पता ही है, मैंने पिछली वीडियोस पे बताया हुआ है, नहीं देखा तो आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हो। फालतू का वीडियो लंबा करने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको मतलब जो आपको पता ही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि यार जो हमारा प्राइवेट डाटा है वो लीक हो सकता है टेंसेंट के जरिए, जो कि टेंसेंट एक चाइनीज ऐप है, तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पबजी मोबाइल वालों कि हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के डिसीजन का मतलब रिस्पेक्ट करते हैं और इसके लिए हम लोग ये जो बैन है उसका सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे एक और लाइन लिखी गई है कि फाइनली इन लोगों ने इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर जो टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप है उसको हटाने का फैसला लिया है। हो सकता है कि हट गया हो या हटने वाला हो वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि चाइनीज़ के साथ पार्टनरशिप हटा देंगे टेंसेंट के साथ सिर्फ इंडिया के अंदर, और इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हमारा अपलोडिंग वगैरह जो भी करते हैं हम लोग वो पबजी मोबाइल अपने अंडर में ले रहा है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि आपका कोई भी प्राइवेट डाटा लीक नहीं होगा। और पबजी मोबाइल मतलब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन कर दिया जाए। तो हो सकता है कि मेरे भाई लोग ये डिसीजन बिल्कुल सही हो, पबजी मोबाइल का सरकार को समझ आ जाए। वैसे आपको पता ही होगा मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि एक फौजी गेम भी लॉन्च हो रहा है जो कि पबजी का अल्टरनेटिव है, तो ऐसे में हो सकता है कि शायद पबजी मोबाइल अनबैन ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, प्राइवेट डाटा लीक जो कि हम लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट भी किए थे। आपको पता ही होगा मैंने हर वीडियो में बताया कि बहुत अच्छा हुआ, अगर ऐसा कुछ है तो सही बात है, लेकिन पबजी मोबाइल को हम लोग शुरू से प्यार करते हैं और हो सकता है कि ये अनबैन हो जाए, और हो सकता है क्या, मेरे ख्याल से 100% अनबैन हो जाएगा अगर इसमें पॉलिटिक्स ना हुआ। तो पॉलिटिक्स हुआ तो फिर यार भूल जाओ कि पॉलिटिक्स से आप लोग आगे बढ़ पाओगे कभी भी, सिर्फ हम लोग बोल ही सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको गाली देंगे उसको गाली देंगे, लेकिन मोस्टली कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक सरकार की मर्जी ना हो, ये अनबैन नहीं होगा। लेकिन जो मेन मोटिव था हमारा प्राइवेट डाटा लीक का, उसे पबजी मोबाइल वालों ने हटा दिया है अपनी तरफ से, और हो सकता है कि पबजी मोबाइल बहुत जल्दी अनबैन हो जाए और हमें प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाए और सरकार की तरफ से भी न्यूज़ आ जाए कि यार पबजी मोबाइल अनबैन हो चुका है। क्योंकि पता ही है यार पबजी मोबाइल एक छोटा मोटा गेम नहीं रहा है, अब ये बहुत बड़ा इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बूस्ट किया था और बहुत सारे यार जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं उनको यार एक जॉब टाइप से मिल गया था जो कि यार अब यार खोने जा रहा था। पता ही है कोई भी न्यू आएगा इतना आसान नहीं होता है कि उस पर कवर अप करना, तो हो सकता है कि ये अनबैन हो जाए, अनबैन हो गया तो बहुत ही अच्छा बात है, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, यही कुछ न्यूज़ थी जो कि पबजी मोबाइल की ऑफिशियल की तरफ से आई हुई थी, जो कि मैं बताना आपको अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आई होप यार पसंद तो आई होगी, पबजी अनबैन हो रहा है और क्या चाहिए। तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।